जैसे दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि जियो पेमेंट बैंक में किस तरह से अकाउंट ओपन करते हैं, और उस वीडियो में कंप्लीट जो है कि मैंने जो है कि अकाउंट ओपन करके मैं दिखाया था, जैसे कि वीडियो कॉल केवाईसी जो है कि दिखाया था कि किस तरह से आप जो कि वीडियो कॉल के माध्यम से अपना जो कि केवाईसी कर पाएंगे, तो उस वीडियो में कंप्लीट जो है कि मैंने दिखाया था। तो जैसे दोस्तों अगर जो आप जीरो बैलेंस अकाउंट अपना जो कि ओपन करना चाहते हैं जियो पेमेंट बैंक में, तो दोस्तों बिल्कुल जो कि कर पाएंगे। दोस्तों उस वीडियो का लिंक जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो को देखकर जो कि अपना अकाउंट जो कि ओपन कर पाएंगे। तो जैसे दोस्तों अगर जो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आपका वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी जो कि कंप्लीट हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कि कैसे अपना अकाउंट नंबर जो कि पता करेंगे, यानी कैसे अपना अकाउंट नंबर जो है कि देखेंगे, और जो भी आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है तो डेबिट कार्ड का नंबर जो कि कैसे आप जो कि देख पाएंगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर अकाउंट नंबर कैसे देख पाएंगे या कैसे जो कि वर्चुअल जो कि डेबिट कार्ड का नंबर जो है कि देख पाएंगे, तो इस वीडियो में कंप्लीट में दिखाऊंगा। तो चलिए अपने मोबाइल फ़ोन पर चलते हैं। तो जैसे दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे आ चुका हूँ, और यहाँ से जो कि माई जियो ऐप जो कि ओपन करेंगे। चलिए माई जियो ऐप जो कि ओपन कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कि यह ऐप जो कि ओपन हो चुका है, और जिस नंबर से आप जो कि अकाउंट ओपन किए थे उसी नंबर से जो कि यहाँ पर इंटर करके इस ऐप में जो कि लॉगिन कर लेंगे। जैसे लॉगिन कर लेंगे तो सबसे ऊपर जो कि देखेंगे कि यहाँ पर जो कि स्लाइडिंग करेंगे इस तरह से। जैसे स्लाइडिंग करेंगे तो यहाँ पर जो कि बैंक का ऑप्शन जो कि आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो कि बैंक का ऑप्शन जो कि आ चुका है, तो इसी वाले बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से जो कि आपका एम पिन जो कि इंटर करने के लिए आ जाएगा, यानी कि जो भी आप अकाउंट ओपन करते समय एम पिन अपना सेट किए हैं वह एम पिन इंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो लॉगिन हो जाएंगे, और यहाँ पर देखिए जो कि जियो पेमेंट बैंक का नीचे आप देख सकते हैं, अब आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर जो कि देख सकते हैं, और सबसे नीचे जो यहाँ पर अपना ऐड मनी जो है कि ऐड मनी पर क्लिक करके अपना मनी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए प्रोफाइल के ऑप्शन पर चलते हैं। जैसे प्रोफाइल के ऑप्शन पर जाएंगे तो इस तरह से इंटरफेस जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर जो कि यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर आपका अकाउंट नंबर जो कि अपना देख सकते हैं, नीचे जो कि IFSC कोड देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो कि यूनिक रिलेशनशिप नंबर देख सकते हैं, अकाउंट टाइप में सेविंग अकाउंट देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए जो कि KYC अपना किए होंगे तो आइडेंटिफायर नंबर यहाँ पर आप जो कि देख सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पर जो कि अपना कार्ड नंबर जो कि देख सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ कार्ड नंबर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कि क्लिक करेंगे, जैसे ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो कि आपका कार्ड का नंबर दिखेगा, उसके बाद जो होल्डर नेम आपका नाम, उसके बाद जो कि यहाँ पर एक्सपायरी डेट आप जो कि देख सकते हैं। तो इसी वाले कार्ड के नंबर से जो कि अपना UPI ID जो कि लिंक करेंगे, जैसे कि फ़ोनपे गूगल पे या जो भी UPI एप्लीकेशन में लिंक करना चाहते हैं बिल्कुल जो कि लिंक कर पाएंगे। चलिए अब मैं जो कि यहाँ पर UPI ID जो कि लिंक करके मैं बिल्कुल लाइव जो कि आप सभी को दिखाऊंगा। चलिए यहाँ से यह नंबर जो कि कॉपी कर लेते हैं, यानी कि कहीं भी नोट कर लेंगे अपना कार्ड नंबर, लास्ट का 6 अंक लगेगा, उसके बाद जो कि एक्सपायरी डेट यहाँ पर लगेगा। चलिए इसको जो कि नोट कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं फ़ोनपे पर लिंक करेंगे तो अपना फ़ोनपे ऐप जो कि ओपन करेंगे। जैसे ऐप जो कि अपना फ़ोनपे ओपन करेंगे तो इस तरह से अपना जो कि अपना नंबर जो कि यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे जो कि लॉगिन कर लेंगे। चलिए अपने नंबर इंटर करके मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे दोस्तों आप सभी देख रहे हैं इस तरह से मैंने जो कि लॉगिन कर लिए, करने के बाद जो कि ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चलिए क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कि सर्च में जो कि आएंगे जियो पेमेंट बैंक जो कि यहाँ पर सर्च करेंगे। चलिए जियो पेमेंट बैंक यहाँ पर जो कि टाइप करते हैं। जैसे टाइप करेंगे देखिए ऊपर जो कि जियो पेमेंट बैंक जो कि आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से दोस्तों आपके नंबर से एक SMS जो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक जो कि यहाँ पर लिंक हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो कि अभी थोड़ा सा समय लगेगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से रिफ्रेश होगा, यहाँ पर लिंक हो चुका है। तो इस तरह देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कि लिंक हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए प्रोसीड टू ऐड पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर UPI पिन अपना जो कि सेट करेंगे। चलिए इस तरह से मैंने क्लिक कर दिया, जैसे सेट UPI पिन इस पर क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो कि आपका डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 अंक जो कि इंटर करेंगे, उसके बाद जो कि नीचे अपना एक्सपायरी डेट जो कि इंटर करेंगे। चलिए अपने जो कि यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे जो कि अपना डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 अंक जो कि इंटर कर दिए, और यहाँ पे जो कि एक्सपायरी डेट जो कि इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो कि ओके पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों मैंने जो कि इंटर कर दिए, तो इस तरह से जो कि इंटर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ओके होगा। ओके होने के बाद दोस्तों ये जो कि आपके जो कि यहाँ पर OTP जो कि वेरीफिकेशन होगा, OTP ऑटोमेटिक आएगा। आने के बाद दोस्तों जो कि यहाँ पर अपना MPIN जो कि सेट करेंगे, 4 अंकों का MPIN जो कि अपने मनपसंद से सेट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ।
तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस तरह से एम पिन जो कि सेट कर लिए हैं, सेट करना दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं अकाउंट एडेड सक्सेसफुली इस तरह जो कि हो चुका है, ऊपर मैसेज भी आ चुका है। चलिए आप यहाँ पर डन पर क्लिक कर देते हैं। चलिए मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे दोस्तों आप सभी देख रहे हैं मैंने जो डन पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से बैलेंस जो है ट्रांसफर करके मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेनू पर अपने जाते हैं, सबसे यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं कि जियो पेमेंट बैंक दोस्तों यहाँ पर लिंक है, इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए बैक चलते हैं। जैसे बैक आएंगे, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप पेमेंट जो है कि ट्रांसफर करके मैं दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से यूपीआई पिन अपना जो कि इंटर करेंगे। तो ऐड यूपीआई पिन पे क्लिक करते हैं, एक यूपीआई आईडी जो है कि यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यूपीआई आईडी इंटर करने के बाद जो कि वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से यूपीआई आईडी आपका वेरीफाई हो जाएगा। हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटर अमाउंट, चलिए यहाँ पे अमाउंट जो कि इंटर करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं इंटर अमाउंट जो कि इंटर कर दिए, सेंड पर क्लिक करेंगे। जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूपीआई पिन इंटर करने के लिए आ जाएगा। तो जो भी दोस्तों आप अभी यूपीआई पिन आप जो कि सेट किए हैं, तो यूपीआई पिन जो है कि इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर पेमेंट जो कि सक्सेसफुल जो कि हो चुका है। तो इस तरह से देखें दोस्तों यहाँ पर पेमेंट हो चुका है, और इस तरह से हम जो है कि यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक जो है कि अब फ़ोनपे पर यानी कि यूपीआई पर जो कि लिंक कर लिए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो कि कर पाएंगे। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।